हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुड मॉर्निंग। और ये है महाशिवरात्रि के दिन का व्लॉग। सुबह सुबह का समय हो रहा है, इस समय मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। ऐसे तो पूजा पाठ के दिन तो थोड़ा एक्स्ट्रा साफ, ऐसे तो डेली साफ़ सफाई होता है, लेकिन पूजा पाठ के दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। मतलब पूरा सीढ़ी वगैरह सब कुछ करती हूँ, और दिन उतना नहीं करती हूँ, और दिन सिर्फ झाड़ू लगा के छोड़ देती हूँ। आज पूरा साफ़ करूँगी, पोछा लगाऊंगी। और तन्नू कर रही थी पढ़ाई, क्योंकि उसका नेक्स्ट डे मैथ्स का पेपर था, और मैथ्स का एग्ज़ाम तो जानते हैं कितना ज़्यादा हार्ड होता है ना, तो इसलिए। और तृप्ति भी उठ चुकी थी, उसको भी मैंने जगा दिया कि तुम भी नहाओ। उसको मैं लेके मंदिर जाने वाली थी, अकेले जाने में ना अच्छा नहीं लगता, तृप्ति के बाद तुम भी उठ जाओ मेरे साथ मंदिर चलना। तो यहाँ पे बस पोछा वोछा काम सब कुछ हो चुका था, और फिर मैं नहा वहा के आ गई थी। यहाँ पे लगा रही थी मैं नेल पॉलिश, और तृप्ति को मैंने नहाने के लिए भेजा, तू नहाने जा बोल के, कि मैं मंदिर जाऊँगी, घर में पूजा कर लूँगी उसके बाद मंदिर जाऊँगी। तो पहले हाथ पाँव थोड़ा सा रंग लेती हूँ, उसके बाद की पूजा है तो करना तो होता बनता है ना इतना। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं आ गई थी मंदिर में, अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए। यहाँ करके उसके बाद जाऊँगी मैं, फिर बगल में ही शिव जी का मंदिर है तो वहाँ पे जाऊँगी जल जल चढ़ाने के लिए। मंदिर से आने के बाद फिर यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके थे पूजा वूजा करके, और तानी तृप्ति जो है ना वो अपने लिए बना रही थी बनाना शेक, क्योंकि वो भी सुबह से कुछ नहीं खाई थी, कि वो भी पूजा करने जाने वाली थी ना, इसलिए उसने भी कुछ भी नहीं खाया था। तो वहाँ से आने के बाद बोला मम्मी बनाना शेक बना लो, मैं बोले बना लो, तो वो अपने लिए बनाना शेक बना रही थी पीने के लिए। और मैं यहाँ पर थोड़ा चाय बनाई थी अपने लिए, क्योंकि पूजा चाय ना पीऊँ तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है, तो बस चाय मैं यहाँ पर बना लिया। थोड़ा सा मैंने तनु को भी दे दिया कि वो भी पढ़ाई करे तो उसका भी सिर दर्द करता, मम्मी थोड़ा मुझे भी दे देना, तो मैंने उसको भी थोड़ा दे दिया था। और यहाँ मैं बनाने वाली थी इन दोनों के लिए आलू गोभी की सब्ज़ी, फूल गोभी की सब्ज़ी, तो कुकर में ही फटाफट मैं बना दूँगी। और ये कुकर वाली सब्ज़ी भी ना काफ़ी टेस्टी लगती है, तो दोनों टाइम उन दोनों का हो जाएगा। मेरा तो आज व्रत है तो मुझे तो ऐसे भी खाना नहीं है, बस एक टाइम फलाहारी होगा। तो यहाँ अच्छे से मैंने कुकर में ही गोभी आलू को अच्छे से फ्राई करके मसाला वसाला डाल के अच्छे से मैं यहाँ पे भून ले रही हूँ। और ये देखिए थोड़ा सा ग्रेवी डाल के मैंने एक सीटी लगा लिया, तो और ये सब्ज़ी बन के तैयार हो गया। ग्रेवी वाली हल्की हल्की ग्रेवी डालिए, दो है तो कि दो बच्चे ही तो खाएंगे, तो कितना ज़्यादा ग्रेवी चाहिए। और सब्ज़ी बोल रहे थे मम्मी बहुत अच्छा बना, इन दोनों को बहुत पसंद आया। तो इन लोग ना मजे में से मजाक करते, मम्मी आपको नहीं खाना रहता तो आप ज़्यादा ही अच्छा बना देते हो। मैं बोला अच्छा चलो ठीक है। उसके बाद सारा किचन साफ़ किया, बर्तन वगैरह बहुत सारा हो गया धोने के लिए, वो सब धो रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट रहे, कोई भी दिन रहे, व्रत रहे, कुछ भी रहे, काम ख़त्म नहीं होता है। सुबह सुबह उतना सारा काम ख़त्म करके मैं गई, फिर अभी भी आके इतना सारा काम में लगा हुआ है। बाहर इतनी कड़क धूप है ना, आजकल धूप बहुत अच्छी हो रही है, तो मैं सोचा भाई चिप्स वगैरह भी, आलू की चिप्स वगैरह भी बना लूँगी, क्योंकि होली भी आने वाली है। अभी बनाया नहीं लेकिन बनाने का सोच रही हूँ। और उसके बाद ये अब हो रहा है शाम का टाइम, शाम का दिया बत्ती भी मैंने कर लिया था। और उसके बाद ना ये लोग दोनों बच्चे ना शाम का नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, और तनु पढ़ाई कर रहे हैं कि मैथ्स का पेपर है, तो उसको जो भी टाइम मिल रहा है ना बस पढ़ने बैठ जा रही है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है ना वो, बहुत ज़्यादा उसको टेंशन हो रही है मैथ्स के पेपर के लेकर। और फिर यहाँ देखिए यहाँ पर मिठाई वगैरह था, तो यही सब इन लोगों ने मिठाई मिक्सचर वगैरह नाश्ता किया था।
और फिर मैं अपने लिए यहाँ पे ना शकरकंद लेके आई थी, इसको मैं उबाल लूँगी, दूध के साथ मैं खा लूँगी। तो देखिए मैंने उबाल लिया था, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे छील लिया, सारा ही मैंने उबाल लिया था कि बच्चे भी खा लेंगे, मैं जो खाऊँ बच्चे ना खाए, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो वो तो खाएंगे ही खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं, 3 ही बस लिया था, कि ज़्यादा खाने का मन नहीं कर रहा था, मन नहीं करता, जिसने फास्ट फूड उसने खाने का सच में मन करता नहीं है वैसे, तो बस 3 ले लिया है। उसमें मैं हल्का सा दूध डाल के उसको मिक्स कर लूँगी, बस यही मेरा अभी हो जाएगा, मेरा अभी समय का फलाहारी। उसके बाद अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है, अगले दिन का, तो मैं मतलब सुबह का सारा साफ़ सफाई, आज बहुत जल्दी मैं उठ गई थी क्योंकि आज तनु का पेपर था मैथ्स का, तो उसको मुझे एग्ज़ाम सेंटर छोड़ने जाना था, तो मैं बहुत सवेरे आज बहुत जल्दी ही मैं उठ गई थी। उठ के उसके बाद फटाफट घर की सारा साफ़ सफाई किया, सारे काम जो थे कपड़े वगैरह धोने के, धो के नहाना, पूजा करना, सब कुछ हो गया। और मैं यहाँ बना रही थी पनीर के पराठे नाश्ते में, क्योंकि रात में ना दूध वाला दूध दे गया, फिर मैंने दूध चढ़ाई तो दूध फट गया पूरा, 1 किलो दूध पूरा का पूरा फट गया, तो उसको मैंने पनीर बना दिया था। तो चलो मॉर्निंग में आज वही नाश्ता हो जाएगा। तो मैंने तो खाया भी नहीं, और मैं खा के भी नहीं जाऊँगी, वहाँ से आऊँगी छोड़ के उसको एग्ज़ाम सेंटर से, उसके बाद मैं खाऊँगी। अभी नहीं, जल्दी जल्दी में ना मन नहीं करता हर बार मैं खाने का। तो बस 2 ही पराठा बना रहे थे, एक तानिया के लिए और एक तृप्ति के लिए, और तानिया भी मतलब फ्रेश हो रही है, नहाएगी, पूजा करेगी, वो भी जाएगी। और तृप्ति को ना मैंने कहा तो प्लांट में पानी डाल दो, क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा भागम दौड़ी हो गया ना कि मैं टाइम नहीं मिला कि प्लांट में पानी डाल पाऊँ, और इतना धूप होता है ना कि ना डाल दो पर सूख जाता है। तो वही तृप्ति पानी डालने गई ना, तो उसको ना प्लांट का एक कीड़ा दिख गया, हरा कीड़ा, तो वह बोल रहे मम्मी मैं नहीं डालूंगी, वहाँ पर कीड़ा है। तो वही मैं उसको बोल रही थी कीड़ा है तो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, तुम डाल दो। तो वही वहाँ से चिल्ला रही थी कीड़ा है करके। और उसके बाद वो वहाँ पे प्लांट में पानी डाल रही है, उसने पूरा में डाला नहीं, आधा करके उसने छोड़ दिया, तो फिर मुझे जाके पूरा में डालना पड़ा क्योंकि कीड़ा दिख गया था उसको। और फिर यहाँ देखिए मैं 2 पराठे फटाफट बना दे रही हूँ, और बहुत जल्दी जल्दी भी हो रहा है क्योंकि यहाँ से सेंटर दूर है, तो जाने में भी ना टाइम 40 मिनट ऐसा लगभग लग जाता है, और फिर रास्ता में ना जाम वगैरह हो तो फिर और भी लेट हो जाता है, इसलिए थोड़ा जल्दी ही निकल जाएंगे ताकि टाइम से पहुँच सके, लेट ना हो। तो बस यहाँ देखिए 2 बना दिया है, और तृप्ति भी जाएगी मेरे साथ, तो बोले मम्मी मैं भी जाऊँगी छोड़ने के लिए, तो उसको भी मुझे लेके जाना है। और तानी भी तैयार हो चुकी है अब वो, उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने 2 पराठा बना दिया, दोनों जन अभी खा लेंगे, तृप्ति और तानिया दोनों जन। और उसके बाद जो नाश्ता वास्ता करके, देखिए थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था निकलने में 10 मिनट, तो पेपर लेके बैठी हुई थोड़ा रिविजन करने के लिए, डर होता ही है ना मैथ्स का पेपर में तो बहुत होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वो आ गई थी एग्ज़ाम देके इस समय, और वो इतना खुश थी ना, क्योंकि उसका पेपर बहुत अच्छा गया था, और अच्छा जाए तो खुशी तो होती है। तो सुबह क्या हुआ था ना, बहुत टेंशन में थी ना, उसने जल्दबाजी में ना दोनों बहन में झगड़ा हो गया, तो कुछ डांट दिया तृप्ति को, तो वो अभी बस मना रही थी तृप्ति को, और इतनी खुश हुई ना कि वो तानिया के पेपर अच्छा गया था, तो उसने तृप्ति ने ठीक है तेरे को मैं पापड़ खिलाती हूँ, तो वो पापड़ छाँक रही थी अपनी दीदी के लिए। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये ब्लॉग कैसी लगी। और मैं करती हूँ अपने वीडियो को यहीं पे एंड, और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ, तब तक।